शान हबीबी इन्नल्लाहुमलाइकतुसल्लुअलनबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। नबी की आज़मुदा क़ुव्वतों से काम लेता हूँ, नबी की आज़मुदा क़ुव्वतों से काम लेता हूँ। समल ए गर्दिश दौरा अली का नाम, समल ए गर्दिश दौरा अली का नाम लेता हूँ। अली को मैं कैसे कहूँ मौलाए कायनात, अली को मैं कैसे कहूँ मौलाए कायनात। अली का नाम बड़ा है कायनात छोटी, अली का नाम बड़ा है कायनात छोटी है। मौजिस नाज़े ग्राम आज दारुल इल्म बज़्मे तुलबाए ख़दीम जामे निज़ामिया व मुहिब्बाने जामे निज़ामिया जिद्दा के इश्तराक से सीरत और शहादत मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के उनवान पर चंद गुज़ारिशात और इशारतन किनायतन आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मजीद की एक मशहूर मारूफ आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया, जिसमें इरशाद बारी ताला होता है कि वल्ला तक़सिमुल लज़ीना क़ुतिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। और इस आयत शरीफ के शान नुज़ूल में मुख्तलिफ़ रिवायतें आई है, उसमें से मशहूर रिवायत यह है कि सन 3 हिजरी में ग़ज़वे उहद का मारका पेश आया, जिसमें 70 ज़ुल्क़दर सहाबे किराम ने जाम शहादत नौश की, जिसमें सैयदुश्शुहदा उम्मे मोहतरम हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला की भी शहादत का वाक़िया है। रिवायतों में आता है कि शुहदाए उहद की अरवा को परवरदिगार आलम ने सब्ज़ परिंदों के खौल में रखा था कि जन्नत में वो जहाँ जी चाहते हैं उड़ते फिरते हैं, जन्नत के मेवे खाते हैं, जन्नत की नहरों से जैसो पानी पीते हैं, और रात की तारीकी में रोशन रात की तारीकी में जैसो इस आसमान के नीचे रोशन कंदीलों की सूरत में जैसो बसेरा करते हैं। उनको इनामात से नवाजा गया था, मुकामात से सरफराज किया गया था। तो रिवायतों में आता है कि शोदा एहद की अरवा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त ने अर्ज़ करती है कि बारी तआला जो हमें इनामात दिए गए हैं, जो नेमतों से हमें जो सरफराज किया गया है, हमारे उन भाइयों को कैसे खबर हो जो ज़मीन पर रहते हैं, ताकि उनके दिल में भी शौक़ शहादत जज्बे शहादत पैदा हो। तो इस आयत शरीफ का नुज़ूल हुआ, जिसमें इरशाद बारी ताला होता है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, उनको मुर्दा मत समझो, बल्कि वो ज़िंदा है। ना सिर्फ ज़िंदा है बल्कि जैसे अल्लाह के पास से अपना रिस्क पाते हैं, उनको परवरदिगार आलम जैसे हयात जाविदाना से सरफराज फरमाएगा। एक वाक़या मेरे जहन में आ रहा, शहीद के मुकाम और मरतबे के ताल्लुक से आपके सामने रखते हुए अपने उनवान पर आ जाता हूँ। सन 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक का मारे का पेश आया था। ग़ज़वे खंदक के मारे के में जैसे एक सहाबी रसूल हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला ज़ख्मी हो जाते हैं। तो रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको घर जाने की इजाज़त नहीं देते, बल्कि मस्जिद नबी के पास ही खैमा लगाकर हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला को ठहराते हैं, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनकी जैसो तीमारदारी किया करते थे। तो रिवायतों में आता है कि साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला के ज़ख़म अच्छे होने लगे, तो जैसो रिवायत हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला के दिल में यह ख्याल आता है कि अगर मेरे ज़ख़म अच्छे हो जाए, मैं सहतियाब हो जाऊँगा, तो मुझे शहादत का मरतबा नहीं मिलेगा। तो इस वास्ते आप दुआ करते हैं कि बारी ताला इसी ज़ख़म के ज़रिए मुझे शहादत की मौत अता फरमा। तो परवरदिगार आलम हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला की दुआ को कबूल करता है, और उनके खैमे में एक बकरी दाखिल हो जाती है जो उनके ज़ख्मों को कुंडेल देती है, मुंडमेल कर देती है। तो रिवायतों में आता है कि हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला के खैमे से खून भरने जैसे ही लगता है तो सहाबा किराम दौड़ते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देते हैं कि या रसूलल्लाह, साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु ताला के ज़ख्म फट गए हैं, उनके ज़ख्मों से
खून बह रहा है तो रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से अपने सहाबी रसूल के लिए दौड़ते हुए खैमे में आते, दौड़ते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला के खैमे में आते हैं, खैमे में दाखिल होते हैं। और रिवायतों में आता है कि हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला की चंद सांसें बाकी रह गई थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला के सर को उठाते हैं, अपने जानों पर रखते हैं, उनके चेहरे पर हाथ फेरते हैं। हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला की जैसे ही आँख खुलती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर नज़र पड़ती है, सलाम अर्ज़ करते हैं कि अस्सलाम अलैका या रसूल, अस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, ये कहते हुए जैसा उनकी रूह आला इलीन को परवास कर जाती है। तो रिवायत तो में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला के सर को उठाते हैं, ज़मीन पर रखते हैं, और मेरे आखा जब हज़रत साद बिन माज़ रज़ियल्लाहु तआला के खैमे से जब वापस आ रहे थे, बाहर आ रहे थे, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पंजों के बल चलते हैं, बड़े एहतियात से जैसो कदम रख रहे थे। सहाबे किराम इस मंज़र को देख कर अर्ज़ करते हैं, रसूलल्लाह सात के खैमे में सात के जनाजे के सिवा आपके सिवा तीसरा आदमी कोई नहीं था, लेकिन फिर भी आप बड़े एहतियात से संभल संभल के कदम रख रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, लोगों सात के जनाजे में शिरकत के लिए, उनके रूह का इस्तकबाल के लिए परवरदिगार आलम ने आसमान से 70,000 फरिश्ते और मलाइका की जमात को नाजिल, 70,000 फरिश्ते और मलाइका की जमात को नाजिल किया। मैं इस वास्ते इतिहास से संभल संभल के कदम रख रहा था कि कहीं मेरा पैर उनके पैरों पे ना पड़े। ये शहीद का मुकाम व मर्तबा है। रिवायतों में आता है कि शहीद की अरवा को लेने के लिए आसमान से फरिश्ते और मलाइका की जमात नाजिल होती है, और रिवायतों में आता है कि जब शहीद की अरवा को रूह को लेकर जैसो जब आसमानों की तरफ जाते हैं तो जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जन्नत के दरवाज़ों पर नूर और इल्मा खड़े रहती है और पुकारती है कि शहीद की रूह को, शहीद की अरवा को मेरे दरवाजे से दाखिल करो, मेरे दरवाजे से दाखिल करो। शहीद की रूह जब जन्नत में दाखिल हो जाती है तो रिवायतों में आता है किताब बारी ताला होता है शहीद की अरवा से, ऐ शहीद बता तुझे मेरी जन्नत कैसे, ऐ शहीद बता तुझे मेरी जन्नत कैसे लगी है। तो रिवायतों में आता है कि शहीद की अरवा बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज करती है कि ऐ बारी ताला मुझे एक ज़िंदगी और अता, ऐ बारी ताला मुझे एक ज़िंदगी और अता फरमा ताकि मैं दुनिया में जाऊं और फिर एक मरतबा तेरी राह में शहीद हूँ, फिर एक मरतबा तेरी राह में शहीद हूँ, क्योंकि जो मज़ा तेरी राह में शहीद होने में है वो तेरी जन्नत में, तेरी जन्नत में नहीं है। यह मुकाम और मर्तबा है शहीद का। रिवायतों में आता है कि इरशाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है कि परवरदिगार आलम के पास दो खतरे बड़े पसंदीदा है, एक गुनाहगार की आँख से आंसू का जो खतरा निकलता है वो बड़ा पसंदीदा है, और दूसरा खतरा जो शहीद के जिस्म से खून का निकलता है वो बहुत पसंदीदा है। रिवायतों में आता है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शहीद के जिस्म से निकलने वाला पहला खतरे खून ज़मीन पर गिरने नहीं पाता कि उसकी मगफिरत हो जाती है। तो यह शहीद का मुकाम व मर्तबा है। कुरान मजीद में बहुत सारी सूरतें आई हैं, बहुत सारी आयतें आई है, और हदीस शरीफा में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीद के मुकाम व मर्तबे को बयान फरमाया है। उनकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा, लेकिन आज मैं जिस हस्ती का तस्करा करना चाह रहा हूँ, जिनकी शहादत और सीरत के ताल्लुक से कुछ अपने ख्याल का इजहार करना चाह रहा हूँ, वो मेरे वो मौलाए कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, जिनके ताल्लुक से ख़ुद मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली का चेहरा भी देखना इबादत है। रिवायतों में आता है कि बूरे सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के मकान पे मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला आते हैं और बैठते हैं। तो रिवायतों में आता है जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जाने के बाद जैसे बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला इस मंज़र को देखती है और अर्ज़ करती है कि बाबा जान क्या बात है, मैं देख रही थी कि जैसे अली जितनी देर बैठे थे आप उनके चेहरे को टिकटिकी लगाए हुए देख रहे, उनके चेहरे को गौर से देख रहे हैं, तो उसकी वजह क्या है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि ऐ लख्त जिगर ऐ नूर नज़र, क्या तुम ये नहीं जानते कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली का चेहरा देखना भी इबादत, अली का चेहरा देखना भी
इबादत है। तो रिवायतों में आता है कि साहब किराम अर्ज करते हैं, रसूलुल्लाह जिनको रसो अली का चेहरा देखना नसीब ना हो तो उनके लिए क्या है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली का जिक्र भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। वो मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा हजरत अली रज़ल्ला ताला की सीरत के ताल्लुक से कमा हको कम क्या एक अदना सा एक तालबेल क्या बयान कर सकता है। रिवायतों में आता है कि मुशरबा इस्लाम होने वालों में सबसे पहला नाम जो आता है वो बीबी खदीजा कुबरा रज़ल्ला ताला का और हज़रत अबूबकर सिद्दीक रज़ल्ला ताला का, हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ल्ला ताला का और जैसे मौला कायनात हज़रत अली रज़ल्ला। इसमें जैसो उलमा में इख्तलाफ है लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा ने इस मसले का हल इस तरह निकाला कि औरतों में सबसे पहले मुशरफा इस्लाम होने वाली बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी और मर्दों में मुशरफा इस्लाम होने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी और ग़ुलामों में मुशरफा इस्लाम होने वाले हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी तआला और लड़कों में मुशरफा इस्लाम होने वाले मौला कायनात हज़रत अली रज़ी तआला। रिवायतों में आता है कि बाज़ रिवायतों में आता है कि आपकी उम्र शरीफ उस वक्त 10 साल थी। मुख्तलिफ़ रिवायतें आई है आप जैसे 10 साल थी या बात रिवायतों में 12 साल की थी। बहरहाल जैसो इब्तदाई इस्लाम से हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और रिवायतों में ये भी आता है कि हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला की परवरिश जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई थी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेरे तरबियत जैसे मौला मुश्किल कुशा रहे थे क्योंकि जब हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो हज़रत अबू तालिब की माशी जैसो हालत कुछ ख़ास नहीं थी, आप माशी मुश्किलात में मुब्तला थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिफारिश करके हज़रत जाफ़र को हज़रत अब्बास रज़ल्लाहु ताला के हवाले करते हैं, उनकी परवरिश में देते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसो हज़रत अबू तालिब से ख्वाहिश करके जैसो हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला को अपने ज़ेरे परवरिश देते हैं। और भाई जिनकी परवरिश आगोश नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुई है, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़कर हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला चलना सीखे हैं और तरबियत रास तरबियत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला की फरमाई थी। तो रिवायत तारीख इस बात की शायद है कि हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला दौरे जहालत में भी किसी जैसे बुत की परस्तिश नहीं करते थे। ये नतीजा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का। और जैसा ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, अपनी रिसालत का इजहार फरमाया तो मुशरफा इस्लाम होने वालों में सबसे पहले मुशरफा इस्लाम होने वालों में इन चार हस्तियों का नाम है जिसमें हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला भी है। और रिवायतों में आता है कि मक्का मौज़मा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 13 साल मक्की ज़िंदगी है जिसमें दुश्मनान इस्लाम की जानिब से इस्लाम और मुसलमानों और सहाबे किराम पर जो जुल्म और सितम हुए उसके जैसे तारीख और भरे पड़े हैं, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊंगा। उन तमाम मसाइल में हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा सरकार के साथ रहा करते थे हर वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। और रिवायतों में आता है कि जब बहुक्म खुदावंदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा हिजरत मेरे आका जब फरमा रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे में अपने पलंग पर मौला कायनात मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला को सुला देते हैं और अपनी कमली मुबारक जैसे उड़ा देते हैं। और मेरे आका ने हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला को कहा कि अली सुबह उठना और फला फला की अमानतें मेरे पास हैं उनके हवाले करके जैसो तुम मदीने मुनव्वरा तुम हिजरत करना। तो रिवायत तो में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत फरमाने के 3 दिन बाद हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला जिन जिन की अमानतें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और मेरे आका ने जो हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला के हवाले किया था, हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला उनकी अमानतें वापस करके जैसे मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाते। तो रिवायतों में आता है कि बाद सहाबा किराम हज़रत अली रज़ल्लाहु ताला से पूछते हैं कि अली उस रात हिजरत की रात
जैसो सरकार ने द्वारम सलाम के बिस्तर पर तलवारों के साए में जैसो तुम्हें दुश्मनों के नरगे में नींद किस तरह आई, नींद किस तरह आई, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि उस रात मुझे इत्मीनान की नींद आई, मुझे इत्मीनान की नींद आई, क्योंकि मैं हर रोज़ सोता तो मुझे ये डर रहता, खौफ रहता कि मैं सुबह उठूँगा या नहीं उठूँगा। लेकिन मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया था कि अली का अकीदा ये है कि उस रात अगर क़यामत भी आ जाए तो आ जा सकती, लेकिन अली को मौत नहीं आ सकती। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह का मोहब्बत और अकीदा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। मदीने मुनव्वरा हिजरत फरमाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी साहबी को बुलाते, एक महाजिर साहबी को बुलाते, एक दूसरे का हाथ में हाथ देकर कहते जाते कि आज से तुम्हारे दीनी भाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसो एक के बाद जैसो एक एक अंसारी को एक एक महाजिर साहबा के हाथ में हाथ देते जा रहे थे। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह जब मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं तो ये मामला ऐद मौक़ात का जैसा मामला हो गया था, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अपने आंसुओं का नजराना पेश करते हुए कहते कि या रसूलल्लाह, आपने हर किसी को किसी का भाई बनाया लेकिन मुझे जैसे किसी का भाई नहीं बनाया। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली, तुम इस दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई है। ये अली रज़ी अल्लाह का मुकाम व मर्तबा है, वह मोहब्बत रसूल है। और मेरे आका ग़ज़वे खैबर के मौके पर जैसो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐलान फरमाया था कि मैं कल जैसो झंडा उसको अता करूँ, कल मैं झंडा या अलम उसके हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर जैसो खैबर का खिला फतह होगा, और वो अल्लाह उसके रसूल का महबूब भी होगा मुहिब भी होगा। और उसके हाथ पर खिला खैबर का खिला फतह होगा। तो रिवायतों में आता है कि तमाम सहाबे किराम के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि काश झंडा मुझे मिल जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह जैसे जुलखदर साहबी बयान करते हैं कि मुझे किसी जंग में ये ख्वाहिश नहीं हुई कि झंडा मुझे मिले, लेकिन उस जंग में मेरी दिली ख्वाहिश ये थी कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झंडा मुझे अता करे, अलम मुझे अता करे, क्योंकि उसमें खुशखबरी सुनाई गई थी, मुजदा सुनाया गया था कि वह अल्लाह उसके रसूल का मुहिब भी होगा महबूब भी, अल्लाह उसके रसूल का मुहिब भी होगा और महबूब भी होगा। जब सुबह होती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें जैसो मौलाए कायनात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को तलाश कर रही है, और सहाबे किराम यहाँ पर जैसो बेचैन है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर जैसो किसका नाम आएगा। तो इसी असना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं कि अली कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, उन्हें आंसू का चश्मा आया है, उनके आंखें दुख रही है। तो मेरे आका ने हुक्म दिया कि अली को पकड़ के ले कर आओ। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को जब लाया जाता है तो रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लोहा बेदहन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के आँखों में लगा देते हैं। तो रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि उसके बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि आशूबे चश्म था कि नहीं था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के जैसो हाथ में जैसो झंडा अता करते हैं, और 40 दिन से जो मुसलमान हमला कर रहे थे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के हाथ पर जैसो खैबर का खिला फतह होता है, और ये मुजदा भी सुनाया गया कि वो अल्लाह का और उसके रसूल का मुहिब भी है और महबूब भी है, यानी वो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसका रसूल भी उससे मोहब्बत करता है। यह मुकाम व मर्तबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, मैं इल्म का शहर मदीना हूँ और उसके दरवाज़े अली। जो शहर इल्म में आना चाहे वो दरवाज़े पर आए। ये बहुत सारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शान में जो अहादीस शरीफ़ आई है, और किसी सहाबी की शान में उतने अहादीस नहीं आए जितना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शान।
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि मैं जब कुरान मजीद की आयतों पर गौर करने लगा तो कम से कम 300 से ज़्यादा कुरान की आयतें ऐसी हैं जो शाने अहले बैत में शामिल, जो शाने अहले बैत में नाजिल हुई, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जैसो मरकज़ मुंबा अहले बैत, अहले बैत में आपका शुमार होता है। और इसी तरह सरकार दौलम सल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की जैसो शान में अजमत में सो कई हादिस है सरकार दौलम सल्लम ने बयान फरमाई है। रिवायतों में आता है कि जैसो चंद लोग बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में आते हैं और पूछते हैं कि ये बताइए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे, सरकार किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि अपनी रख्त जिगर अपनी नूर नज़र फातिमा से मोहब्बत, फातिमा से मोहब्बत करते हैं। तो लोगों ने पूछा कि जैसे मर्दों में कौन है, तो बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जवाब देती है कि उनके खाविंद यानी उनके शौहर से जैसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। खुद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि मैं कुछ चीज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगता तो मुझे अता करते, मुझे अता करते, अगर मैं खामोश भी रहता तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता पर, मुझे अता फरमाते। ये मामला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का था। तो रिवायतों में आता है कि एक मरतबा सहाबा किराम की महफिल बैठी हुई है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में तशरीफ़ फरमा है। रिवायतों में आता है कि सहाबा किराम और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे खजूर खा रहे हैं और सहाबा किराम खजूर खा कर जैसे गुठलियाँ जैसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने रख, खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैसे खजूर खाकर उसकी गुठली जैसो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने रख देते हैं। तो सहाबा किराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सबसे ज़्यादा खजूर किसने खाए, सबसे ज़्यादा खजूर किसने खाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसके सामने सबसे ज़्यादा गुठलियाँ, जिसके सामने सबसे ज़्यादा गुठलियाँ हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे अर्ज करते हैं रसूलल्लाह उनके ताल्लुक़ से आप क्या बयान करेंगे जो गुठली के समय जैसे खजूर को तनावल फरमा है। ये मामला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और ग़ज़वे तबूक के मौके पर जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में अपना नायब और इमाम बनाकर जब आप ग़ज़वे तबूक के लिए रवाना होने लगते हैं तो रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला रोते हुए आते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह आप मुझे बच्चे और औरतों में छोड़े जा, आप मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जा रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे जंग का कितना शौक़, जंग का मुझे कितना शौक़ है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली तुम्हारे लिए जैसे मेरे लिए तुम्हारी मिसाल ऐसा है जैसा हारून के लिए मूसा की मिसाल, हारून के लिए मूसा की मिसाल थी, लेकिन इतना है कि जैसे मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत और बुज़ुर्गी में बहुत सारे हदीस है और तारीख़ इस्लाम इस बात की भी शाहिद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी शुजाअत बहादुरी के वो कारनामे अंजाम दिए हैं जिससे तारीख और भरे पड़े हैं। तफसीलात में नहीं जाऊंगा, एक वाक़या रखते हुए अपने शहादत के मौजू पर आ जाता हूं। सन 5 हिजरी में ग़ज़वे खंदक का मामला पेश आया तो जैसे रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फारसी के मशवरे पर मदीने मुनव्वरा के अतराफ़ में जैसो खंदक जैसो मेरे आका खोद देते हैं ताकि जैसो दुश्मन हमला न कर, दुश्मन हमला ना कर सके। तो रिवायतों में आता है कि कुरैश की जानिब से उमरा बिन उबाद बल्कि जैसे बहुत बड़ा पहलवान था उसको जैसे कुरैश के लोग लेके आते हैं जो खंदक पार करके जैसे मदीने में दाखिल हो जाता है और आकर जैसे मुसलमानों से जैसे चैलेंज करने लगता है कि कोई है आए और मुझसे मुकाबला, आए और मुझसे मुकाबला करे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े होते हैं और कहते हैं कि रसूलल्लाह आप मुझे इजाज़त दीजिए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दे। फिर वो दूसरी मरतबा ऐलान करता है कि कोई है जो आए और मुझसे मुकाबला करे, तो फिर दूसरी मरतबा भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़े होते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें
इजाज़त नहीं देते। फिर तीसरी मरतबा वो ऐलान करता है, मुकाबले की दावत देता है, चैलेंज करता है, तो तीसरी मरतबा भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला खड़े होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप मुझे इजाज़त दीजिए। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अली तुम जानते नहीं है वो उमरा बिन उबैदा है जो 1,000 के लश्कर पर अकेला भारी है। रिवायतों में आता है कि किसी जंग में ऊँटनी के बच्चे को उसने अपने दाहिने हाथ में उठा लिया था और ढाल की तरह जैसे इस्तेमाल करता था, ऐसा अरब का बड़ा पहलवान था, ऐसा बड़ा पहलवान था, 1,000 के लश्कर पर जैसे वो अकेला भारी था। तो मेरे आका ने कहा कि अली क्या तुम नहीं जानते वो कौन है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जवाब देते हैं कि या रसूलल्लाह मैं भी तो अली हूँ, या रसूलल्लाह मैं भी तो अली हूँ, आप इजाज़त दिए। तो रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार यानी ज़ुल्फ़िकार जैसो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के हवाले करते हैं और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को अपना हमामा पहना कर जैसो जंग में रवाना करते हैं। तो रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जाते हैं, उसको जैसो मुकाबले की दावत देते हैं, तो पूछता है कि तुम कौन हो? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं अली इब्न अबू तालिब अना अली, मैं अली इब्न अबू तालिब हूँ। तो उमरा जवाब देता है कि मैं तुम्हारे चचाओं का दोस्त हूँ, भतीजे तुम मेरे लिए भतीजे बराबर है, मैं तुमसे जैसे मुकाबला नहीं कर सकता। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैं तुझसे मुकाबला करना चाहता हूँ। तो उमरा जैसो हंस देता है और रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पर जैसो वार करता है तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अपने कदम पीछे हटा कर जैसे उसके वार को अपने ढाल पर रोक देते हैं। उसके बाद रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जैसे नारा लगाते हैं कि कहते हैं उमराओ अपनी जान बचा। तो रिवायतों में आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला एक ही वार करते हैं तो वार का मामला ऐसा रहता है कि जैसे धूल उड़ने लगती है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जैसे बेचैन और मुस्तरिब हो जाते हैं। उस धूल में जैसे ना उमरा दिखता है ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला दिखते हैं। थोड़ी देर के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जब उस धूल से जैसे बाहर आते हैं तो तारीख़ इस्लाम इस बात की शाहिद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के दाहिने हाथ में उमरा का कटा हुआ सर था और ज़ुल्फ़िकार हैदरी से खून टपक रहा था। इस मंजर को देखकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी और मसरत होती है, सहाबे किराम को जैसे इतनी खुशी और मसरत होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद नारे तकबीर की सदा लगती। ये मामला हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला के जैसो शुजात बहादुरी के कारनामे तारीख़ और आप जैसो भरे पड़े हैं भाई, हर जंग में जैसो आपने अपनी शुजात और बहादुरी से तारीख़ और आप पर दिए है, और यही नहीं बल्कि जैसो इल्म व फजल में भी और इताअत रसूल और इत्तबाए रसूल में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का सानी कोई नहीं मिल सकता। रिवायतों में आता है एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मदीने के बाज़ार से गुजर रहे थे, सहाबा किराम का भी मजमा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे था और ऐन पीछे मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला चल रहे थे। तो रिवायतों में आता है कि रास्ते में जैसे एक झाड़ आया और झाड़ की जैसे डाली जैसे थोड़ी झुकी हुई थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वहाँ से गुजर जाते तो वो डाली जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक को जैसे लग जाती थी, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे वहाँ से सर झुकाकर गुजर जाते। और तारीख़ इस्लाम इस बात की शायद है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़त में थोड़ा छोटे थे, यानी थोड़ा आपका ख़त कम था, तो अगर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला बग़ैर सर झुकाए भी जैसे वहाँ से गुजर जा सकते थे, लेकिन आपने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर झुकाया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला भी सर झुका कर जैसे वहाँ से गुजर जाते। सहाबा किराम इस मंज़र को देख कर कहते हैं कि अली आपने क्यों सर झुकाया, आप बग़ैर सर झुकाए भी जैसो वहाँ से गुजर जा सकते थे। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला जवाब देते हैं कि लोगों तुम्हारी नज़र डाली पर थी, मेरी नज़र नबी पर थी, मैंने देखा कि आखाए दो जहाँ ने सर झुकाया तो मैंने भी सर झुका दिया। ये इत्तबाए रसूल का मामला,
एक एक कदम हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला को उठता था तो इताअत रसूल और इत्तेबाए रसूल में जैसो आपका मामला होता था, पूरी ज़िंदगी जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तेबा में गुजर गई है भाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद खुलफाए राशिदीन का जैसो दौर गुजरा, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला जैसो तकरीबन 5 साल तक जैसो खिलाफत को आप जीनत बख्शते हैं और 5 साल के करीब करीब 5 साल जैसो आपके खिलाफत का दौर रहा। खिलाफत के दौर भी बहुत ही जैसो तारीख़ इस्लाम का जैसो सुनहरा बाप रहा, उसकी तफसीलात में नहीं जाऊँगा। रिवायतों में आता है कि 18 रमज़ान को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला पर खातिलाना हमला होता है। रिवायतों में आता है कि अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम जैसो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की ताक में था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला का मामला ये होता था कि आप तुलू फजर से पहले ही जैसो मस्जिद के लिए निकल जाते और लोगों को जैसो आवाज़ देते जाते। तो रिवायतों में आता है कि अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम जैसो मस्जिद में जैसो छुपके जैसो बैठा हुआ रहता, जैसे ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला दाखिल होते हैं और जैसे ही दाखिल होते हैं रिवायतों में आता है कि अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की पेशानी को उस जगह अपनी तलवार से वार करता है जिसकी निशानदेही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमाई। रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबे किराम के सामने कहा कि लोगों, दुनिया के दो बदतरीन लोग हैं, क्या मैं तुम्हें इसकी खबर दूं कि दुनिया के दो बदतरीन लोग हैं। सहाबे किराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह यकीनन आप हमें खबर दीजिए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि एक गुजरे हुए लोगों में है और एक आने वाले लोगों में। गुजरे हुए लोगों में वो बदतरीन शख्स है जिसने हजरत साले अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का कत्ल किया, और आने वाले लोगों में वो बदतरीन शख्स है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की पेशानी की तरफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान फरमाया था, हाथ लगा के कहा था कि अली तुम्हारे यहाँ जो वार करेगा वो बदतरीन होगा। तो ऐन उसी मुकाम पर अब्दुलरहमान इब्ने मुलजिम जैसो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की पेशानी पर उसी मुकाम पर जैसो वार करता है जिस मुकाम पर जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदेही फरमाई थी। और जैसे ही वार पड़ता है अली की ज़बान से बेसाख्ता निकलता है, मुझे रब काबा की कसम मैं अपनी मुराद को पहुंच गया। 18 रमज़ान सन 40 हिजरी जामा मस्जिद कूफा में जैसो आप पर जैसो खातिलाना हमला किया गया और 2 दिन जैसो आप इस दुनिया में रह गए। 20 रमज़ान सन 40 हिजरी में जैसो आप इस दुनिया से रुखसत हुए और आपके रुखसत होते ही खुलफाए राशिदीन का जो सिलसिला था उसके बाद इमाम हसन की 6 माह की खिलाफत को अगर जमा किया जाए तो 40 हिजरी तक का जैसो मामला होता। इस तरह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 साल तक खुलफाए राशिदीन रहेगी, खिलाफत राशिदा रहेगी जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के पर्दा फरमाने के बाद आपकी शहादत के बाद। यकीनन भाई हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की सीरत के हालात और वाक़यात और आपकी सखावत के बेशुमार जैसो वाक़यात है, उनकी तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है। इतना गुजारिश करूँगा आप तमाम हजरात से कि ये अहले बैत और अहले बैत के ताल्लुक से कई आयतें हैं, कई हदीसें हैं, ज़रूरत इस बात की है कि हम अहले बैत से मोहब्बत का दावा करते हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला से गुलामी का दावा जब हम करते हैं तो उसका लाजमी नतीजा ये होना चाहिए कि हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला के रास्ते को अपनाएं और अपनी मोहब्बत और अकीदतों का नजराना हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में पेश करना है। दुआ है कि बारिया ताला इस बयान शरीफ को कबूल फरमा, है बारिया ताला हम में जैसो गुलामा ने अली की शान पैदा फरमा दे, है बारिया ताला हमारा नाम भी अली और अहले बैत के मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में हमारा नाम शामिल फरमा दे। आमीन सुम आमीन बरहमत या रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह।